तुमसे एक बात पूछूं? तुम घर से लंच क्यों नहीं ले जाती? हाँ, लंच भाभी क्या फायदा है ले जाकर, क्योंकि लेकर तो वही जाना पड़ेगा, आनंद भवन का इडली मसाला डोसा। क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब रोज रोज तो वही खाती हूँ ना भाभी, एक लंच ही तो है जो कैंटीन में खाने का मौका मिलता है। हाँ, अगर घर का बना खाना होता तो बात मजे की हो जाती, कुछ ना कुछ अलग खाने को मिलता तो खाना खा के बोर नहीं होते। ये तो तुम सही कह रही हो, वैसे हमारे घर में खाना बनता ही कहाँ है। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब जो चाहे वो बना लेना तुम। क्या हुआ श्रुति, शादी की बात करते ही तुम चुप हो गई? अच्छा, तुम ये सोच रही हो कि ऑफिस के साथ साथ घर का काम कैसे करूंगी? इसका टेंशन मत लो तुम, तुम्हारा पति तुम्हारा इसमें साथ देगा। क्या श्रुति, ऐसे क्यों देख रही हो? भाभी, आपको मुझसे कुछ पूछना है ना? मुझे? मुझे क्या पूछना होगा? कि मैं कल बाइक पर किसके साथ थी, कौन मुझे घर ड्रॉप करता है, वो लड़का कौन है, इस सब के बारे में आपको मुझसे कुछ पूछना है ना? बोलो भाभी। ऐसे पूछने से तुम्हें कुछ गलत तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं भाभी, मेरी भलाई के लिए ही आप ये सब कुछ पूछ रही हो, मैं समझती हूँ। और पूछते वक्त आप संकोच कर रही थी कि पूछूं या नहीं, इस बात से पता चलता है कि आपको मेरी कितनी परवाह है। सच में श्रुति, मुझे बस इस बात का डर था कि तुम कुछ गलत ना समझो, और कुछ नहीं। मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम दोनों के बीच भाभी और ननद के अलावा हमेशा दोस्ती का रिश्ता भी रहे। ओके, वैसे वो कौन था? सिर्फ दोस्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तो समझ गई, लेकिन घर वालों को कैसे समझाओगी तुम? मुझे उनकी परवाह नहीं। ऐसा नहीं बोलते श्रुति, अगर पड़ोस वालों ने घर वालों के सामने कुछ कह दिया तो बुरा लगेगा। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, अब खुश? तुम्हें कैसे पता चला मैं तुमसे ये पूछने वाली हूँ? लो बताओ, आपका चेहरा सब कुछ बता देता है भाभी, जब मैं बाइक से आई तो आपने मुझे देख लिया था, है ना? ओह, फिर अचानक जब आपने मुझे मंदिर बुलाया तो मैं समझ गई कि आप यही पूछने वाली हो। अच्छा, अब पूछ लिया तो चलें भाभी। चलो। सुन विनय, चल चल के खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है। क्या है ये, सुबह भी तो बिना खाए चला गया और ऑफिस में भी कुछ नहीं लेकर गया, अब भी मना कर रहा है। जनाब, भूख हड़ताल में है, हम दोनों को जाने से रोकने की कोशिश में है। विनय, समझने की कोशिश कर, तू हमारे लिए संगीता से लड़ता है और उस वजह से संगीता हमें गलत समझती है। संगीता भगवान या कोई देवी है? उसको इस घर में किसने क्या बोला है? अच्छे लोगों के साथ रहने में उसको क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए हम अच्छे हैं, पर उसके लिए नहीं। उसकी बात अभी क्यों कर रहे हो? भैया, आपके ट्रांसफर का क्या हुआ? कंफर्म हो गया। मैं जानता हूँ आपने जानबूझ के ये सब किया। हाँ भाई, मुझे कुछ काम नहीं है ना, परिवार में परेशानी मेरी वजह से है ना। ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, वैसे भी मुझे अल्सर है, होटल में खाना खा के मर जाता हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? देख विनय, इन्हें वहाँ भेजकर मैं यहाँ कैसे खुश रह सकती हूँ? एक काम करते हैं, इन्हें भेज देती हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगी, हम दोनों को यहाँ देखकर संगीता क्या बोलेगी। अगर उसने ऐसा कुछ बोला ना तो मैं उसे। अब बस कर विनय, तूने अपनी बीवी को मायके भेज दिया और अब मैं भी इन्हें दूर भेज दूँ, देखने वाले क्या समझेंगे? मैं तुझे अपना बेटा मानती हूँ, बाहर वाले ऐसा सोचेंगे क्या? ठीक है भाभी, आप भी जाओ भैया के साथ। सच कह रहा है तू? हाँ भाभी, भैया मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? आप दोनों खुश रहिए बस, मेरी किस्मत में जो कुछ भी लिखा होगा वो सब होकर ही रहेगा। Thank you.